अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाई है मज़ेदार जूसी टिक्का मैक्रोनी और इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है वो पानी बॉईल करेंगे हम। ये पानी मैंने तेज़ बॉईल कर लिया था। अब इसमें नमक ऐड कर दिया था 1 टेबल स्पून। चिकन मेरे पास मौजूद है, तकरीबन ये आधा किलो के करीब बोनलेस आप ले सकते हैं। इसमें मैंने टिक्का मसाला जो है वो ऐड कर देना है। टिक्का मसाला ऐड कर देना है चिकन में 1 टेबल स्पून के करीब मैंने अदरक लहसुन ऐड कर देना है और फिर इसको जो है वो मिक्स कर देना है। चाहें तो आप जर्दी का रंग भी ऐड कर सकते हैं इसको कलर मज़ीद देने के लिए, और इसमें स्मॉक भी ऐड कर सकते हैं, लाइक इसको सब भी कोयले का दम दे सकते हैं, लेकिन हम इधर एंड कोयले का दम देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और 10 से 15 मिनट भी छोड़ दें तो कोई इशू नहीं है। अगर आप छोड़ें तो वो भी कोई इशू नहीं है। आप इसको जो है इसी तरीके से रख देंगे, उसके बाद जो है वो फिर हम अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे जब तक कि हमारी मैक्रोनी बॉयल हो रही है, और इतने में ये हमारा मैरिनेट होता है। जो है वो मैरिनेट होने के लिए रखती है और उसमें मैंने पत्ते का नान ऐड किया है मज़ीद इसको कलर देने के लिए। तैयार है, जिसमें मैंने चॉप कर लिया है, रफली चॉप कर लिया था दाजक और शिमला मिर्च और प्याज को। मेरे पास इस वक्त हरी प्याज मौजूद नहीं थी, तो ये सब चीज़ें मैंने रफली जो है वो चॉप कर ली हैं। और क्विक रेसिपी है तो तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया, इसमें मैंने मैरिनेटेड चिकन जो है वो ऐड कर दिया। मैरिनेटेड चिकन को फ्राई करना ऑयल में। ये देखें कितना अच्छा मसाले का रंग आया है। चिकन को फ्राई करेंगे यहाँ तक कि चिकन गल जाए। इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट हम छोड़ देंगे इसका लिस्ट जो है वो लगा कर उसको 6 से 7 मिनट हम छोड़ देंगे। थोड़ा सा पानी भी मैंने, जो मसाला मेरे पास बचा हुआ था उसको ही समेट मैंने पानी ऐड कर दिया ताकि ये लगे ना मसाला और इसमें चिकन गल जाए। साथ साथ हमें पास्ता पे भी नज़र रखनी है कि ये मैक्रोनी जो है वो गल चुके हैं, ज़्यादा ना गले, और देखिए ये मैक्रोनी बिल्कुल डन हो चुका है। अब इसमें इसको स्टैंडर में निकाल लूँगी। मैं चिकन जो है वो बिल्कुल गलने की तरफ है, उसमें मैं चिकन पाउडर ऐड कर दूँगी थोड़ा सा, तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब चिकन पाउडर ऐड कर दूँगी। मैंने एक फ्रेश ऑफ से इटालियन टमाटो सॉस मौजूद था। अगर आपके पास टमाटो सॉस मौजूद नहीं है तो आप अपना टमाटो सॉस बना सकते हैं। टमाटर को भी बॉईल करके उसको पील ऑफ करके इसका पेस्ट बना लें तो टमाटो सॉस आपका एक तरह से बन जाएगा, टमाटो प्यूरी बन जाएगी जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन मैं 1 से 2 टेबल स्पून के करीब टमाटो पेस्ट इसमें यूज़ करती हूँ। टमाटो सॉस ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद 4 से 5 मिनट पकने देना है चिकन को। ये 2 टमाटरों का पेस्ट भी इसमें ऐड करके मज़ीद 4 से 5 मिनट दबाने के लिए छोड़ देते हैं। 1 टेबल स्पून ऑयल में मैंने ये सब्जियां जो है अपनी जो मैंने चॉप की हुई थी वो मैंने ऐड कर देनी है, उसको फ्राई कर देना है। ऐसे ये होगा कि सब्जियों का कलर जो है वो कच्चा कच्चा नहीं आएगा आपके पास ना। इसमें थोड़ी सी 1 पिंच आप जो है कुटी काली मिर्ची ऐड कर देंगे तो उसका जायका जो है वो ज़बरदस्त हो जाता है और क्रंची हो जाती है सब इसमें वेजिटेबल्स। यहाँ हम इन द एंड जब मैक्रोनीस जो है ऐड करेंगे उससे पहले हम ये जो फ्राइड वेजिटेबल्स हैं वो भी ऐड करते हैं। बहुत कम यूज़ करना है वरना जो है ये सब्जियों में ऑयल आता है जो कि बहुत ही बुरा लग रहा होता है, और ये बिल्कुल कम यूज़ करना है, लाइक 1/2 से भी 1/2 टेबल स्पून यूज़ करना है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जिस हिसाब से आपकी सब्जियाँ उससे बहुत ही कम निकालना होगी। तो ये का सॉस बिल्कुल तैयार हो चुका है, चिकन जो है वो बिल्कुल टेंडर गल चुकी है, टेंडर हो चुकी है, और ये इसका जो है वो मैं सिलसिला को जिस भी तरह रखूँगी मैं ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करूँगी, थोड़ा सा इसको और मज़ीद इसका पानी कम होने दूँगी और उसके बाद मैं इसमें मैक्रोनी ऐड कर दूँगी। मैं ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करने वाली हूँ, ठीक है, ताकि इससे जो है वो आपकी जो मैक्रोनी है वो सॉसी बनती है और जो है उसमें एक मज़ेदार सा टेस्ट आता है। इतना वॉट पे ही रखना है इसका टेस्ट, ठीक है, ताकि ये मैक्रोनी जो है वो बहुत ज़्यादा सॉसी बने। अब इसमें जो है मेरे पास वेजिटेबल्स भी फ्राई हो चुकी हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें डालूँगी वेजिटेबल्स, इसको हो चुकी है इसको ऐड कर दें। ये भी मैंने फ्राई वेजिटेबल का टेस्ट जो है बहुत ही लजीज आता है। मैं ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें जो है अपना मैक्रोनी ऐड कर देंगे, इसके अंदर मैक्रोनी ऐड हो गई है। अब
इसको हम अच्छे से मिक्स करें। ये मिक्स हो रही है, मैं हर सीजनिंग टाइप्स का टच आएगा, बिल्कुल ड्राई नहीं है, ये सॉफ्टी मैक्रोनी बन रही है। ये देखो अच्छे से इसका मसाला जो है वो हम मिक्स करेंगे। आप इसमें वैसे तो किसी मसाले को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो चिली सॉस ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कोई मसाला मज़ीद ऐड होगा इसके अंदर। हम इसमें थोड़ा सा विनेगर और सोया सॉस ऐड करें। ये देखें ये हमारे मिठाई का लगा रहा है, बहुत ही कोई खूबसूरत और बहुत ही कोई आला। ये मिक्स हो चुकी है, विनेगर ऐड कर देंगे हम तकरीबन हाफ से भी हाफ टेबल स्पून, बस ऐड कर लेंगे तकरीबन हाफ से भी हाफ टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारी तैयार है, अब हम इसको लास्ट में कोयले का दम देंगे। कोयले का दम देना है, इसके लिए उन्हें डबल रोटी का एक पीस लेना है, कोयले को अच्छी तरीके से दहका लेना है, पीस के ऊपर रख देना है अच्छे से। अब इसमें घी ऐड करना है और उसको ढक देना है 5 मिनट तक के लिए, जो है इसको कोयले का दम दे देना है हमने। सो जनाब ये जूसी मैक्रोनी, मज़ेदार टिक्का मैक्रोनी तैयार है, और ये कितने मज़े की है ये तो मेरे हस्बैंड आपको बताएंगे, तो मैंने सोचा आज ज़रा उनका रिव्यू भी ले लिया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। चलें देखते हैं रिव्यू की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्सलेंट और बहुत यमी है, जूसी है, बहुत ही कोई मतलब इसके अंदर स्मोक भी आ रहा है उसका कोयले का। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये टिक्का